विकासखंड चितरंगी अंतर्गत ग्राम पंचायत ठटरा यूपी एमपी का सीमावर्ती क्षेत्र है। खनिज विभाग द्वारा खदानों की सूची जारी की गई थी, लेकिन ठटरा लीज का नाम नहीं था। लेकिन खनिज एवं अभ्यारण्य विभाग की मिलीभगत से नाम जोड़कर लीज का आवंटन किया गया। आरकेटीसी कंपनी द्वारा मगरमच्छों का अस्तित्व खतरे में कर सोन नदी का पानी परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें मवेशियों को भी पानी पीने में असुविधा के साथ सड़क दुर्घटना भी हो रही है, जिसका आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है। चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। केकरे कले बनाओ थे, कौन बोला है बनाने के लिए, के बोल कैसे हो बनाओ के, हां तू बनवाओ था कि क्यों बनवाओ था, हां मैं क्यों बनवाओ थी ना, हां क्यों कौन बोला है, बोला कौन है, मैं यहाँ का कौन हूँ जानते हो, नहीं पता है कुछ ही है। वो बताएंगे मेरे को, पूछिए उनसे, उनसे पूछिए कौन लगा काम कौन लगवाया है ये। आज हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संगठा सिंह जी हैं। आइए, कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत ठटरा में आरकेटीसी कंपनी द्वारा पानी को परिवर्तित कर रेत की ढुलाई की जा रही, उसके संबंध में आपका क्या कहना है। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया रजनीश भाई, भयंकर भ्रष्टाचार है। रेत खदान ठटरा जो सोन नदी में स्थित है जी, और पूरी सोन घड़ियाल एरिया में आता है जी, लेकिन सोन घड़ियाल विभाग के मिली भगत के कारण हाँ, कैसे कैसे एनओसी लेकर के और उसको वो एरिया बचाया गया है, और आरकेटीसी कंपनी को टेंडर के बावजूद, टेंडर पहले हो गया, ये खदान शामिल नहीं थी जी, लेकिन माइनिंग विभाग की मिली भगत के कारण उसको बाद में जोड़ा गया, और अगर इसको पहले टेंडर में जोड़ा गया होता तो 36 करोड़ में पूरे जिले की रेत टेंडर हुआ था जी, तो 136 करोड़ हो जाता जी। जी शासन का पूरी तरीके से राजस्व का नुकसान हुआ है जी, और ग्रामीण जनों के द्वारा जो आरोप है, ये प्रतिवर्ष नदी को बांधते हैं और उसकी धारा परिवर्तित कर देते हैं। सो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, उधर कैमूर सेंचुरी के अंतर्गत आता है, इधर सोन घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये लीज में कोई सीमा नहीं है, और लीज से बाहर की रेत उठाते हैं, और पूर्व में घटनाएं भी हो चुकी हैं, एक आदमी भी मर गया था, बड़े बड़े गड्ढे मशीनों के द्वारा कर दिए गए थे उसके वजह से, और तथा घड़ियाल भी दो बार घटनाएं हुई, घड़ियाल भी मर गए थे, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये एनजीटी पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ है। अभी एनजीटी के अधिकारी आए थे तो पूरा जो इनका रास्ता था इन्होंने खुदवा दिया था और मशीनों को दूर भगवा दिया था, और अनाधिकृत रूप से रोड बना करके और रेत निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। रेत अभी नहीं निकल रही है, लेकिन रेत निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है, जिससे करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करते हैं और शासन को कोई लाभ इसका नहीं होता, और ग्रामीण जनों को आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और मवेशियों को